वो भगवत प्राप्ति है। भगवान का नाम चाहिए हमारे जितने भगवान है सबकी आरती करते तो अंत में एक शब्द सभी के लगता है धर्म। ब्रह्म का जो परमात्मा की दृष्टि से ले तो आदि शक्ति के दे नारायण के दे या अन्य जो भी समझ में आया और दूसरा ब्रह्म का जो अर्थ होता है वो है या नहीं दावाडोल वाली स्थिति। लेकिन जिसको भी इष्ट मानता है और जीव जो महसूस करता है उसी को लिखता है विशेष भगवान या परमात्मा या जिसे शक्ति कहते हैं उसके विषय में कोई सटीक दूसरे को नहीं बता सकता है सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। और जितना अनुभव होता है क्योंकि भगवान के लिए कहा गया है उसका जो प्रकाश है करोड़ों सूर्य के समान। निर्गुण माता ने कहा है एक सूर्य रुखाई निर्गुण होगी करोड़ों ब्रह्मांड प्रकाश। तो जो शक्ति है उसके बिना चलता नहीं। और जब व्यक्ति आदि शक्ति की आराधना करता है मां प्रसन्न हो जाती है तो फिर ब्रह्मा विष्णु महेश मुक्ति में बाधा नहीं करते। बाकी भगवान ने 23 अवतार लिए अभी तक और किसी भी अवतार में किसी भी भक्त को राम ने कृष्ण ने भगवान विष्णु ने ब्रह्मदेव ने भगवान शिव ने या किसी रुद्र ने 24 अवतार में किसी भक्त को ये नहीं कहा कि क्या तुम मुक्त होना चाहता है। ज्यादा प्रसन्न होगा तो क्या एक कल्प तक राज्य बादी में भी राम प्रसन्न हुए थे क्या थोड़ी देर ठहर जाते को अजर अमर कर देता। गिद्ध राजा प्रसन्न हुए थे का तेरे को अजर अमर कर देता। किसी ने को ये नहीं कहा कि तू मुक्त हो क्योंकि भगवान को अपनी सृष्टि चल रही है और शक्ति की उपासना इसीलिए करते हैं कि जब मां प्रसन्न हो जाती घर में भी पापा की जेब से पैसे निकालना मुश्किल है लेकिन अगर माँ को बड़ा इशारा करें तो माँ पिता को कह देगी तो काम सब शब्द भी है और शब्द भी है व्याख्या वेदों में भी पूर्ण रूप से नहीं जिसके इर्द गिर्द घूमते हैं वही शक्ति। अगर अभी की जो प्रकाश को या बिजली को या कर्ण को भी अगर शक्ति मान ले तो अति शक्ति नहीं है क्योंकि कर्ण से सब कुछ हो रहा है। एक कर्ण इसमें प्रकाश हो रहा है एक कर्ण इसमें आवाज बढ़ रही है एसी में भी कर्ण ठंडा हो रहा है हीटर में कर्ण में गर्म हो रहा है तो तत्व तो वो एक ही है लेकिन उसके रूप अनेक है। एक बार एक गुरु जी के चार शिष्य थे तो चार शिष्यों ने कहा गुरुदेव हमें भगवान के दर्शन कर रहा है। तो गुरु जी ने कहा ठीक है देखो दर्शन कराऊंगा आप बन के करूंगा और आपको महसूस करूंगा। तो गुरु जी ने एक जगह एक हाथी को रख दिया और चेलों की आंख पे पट्टी बांधी एक को ले गए और सूंड पकड़ा दी देख महसूस कर भगवान ऐसा किसी को कहना नहीं। फिर दूसरे को लाए पांव पकड़ा दिया ये से होते भगवान। तीसरे को पूंछ पकड़ा दी चौथे को कान पकड़ा दिया। अब चारों कुछ समय बाद मिले तो झगड़ने लगे एक कहना लगा भगवान कैसे पता दे को ऐसे खंभे जैसे मतलब देखो भगवान जैसे गोल गोल इतने से लंबे बोले नहीं विष्णु जैसे है। तो पहला वाला बोला तुम सबको पता नहीं पहले भगवान मैंने देखे ऐसे पाइप जैसे बड़े लचीले बिल्कुल हिलते रहते तो एक दूसरे से विवाद करने लगे झगड़ने लगे और गुतम तो गए। गुरु जी दौड़ के आया क्या हुआ तो एक दूसरे के लिए शिकायत करे गुरु जी आप जो भगवान दिखा ये मानने को तैयार है ये झूठ बोल रहा है ये झूठ बोल रहा है ये झूठ बोल रहा है। गुरु जी ने कहा कोई ज्ञान तो हुआ नहीं चारों को हाथी के पास ले गए जयर का ये देखो इसको हेलो अरे अकेला पांव भगवान नहीं है अकेला कान भगवान नहीं कुछ ये सब मिलेंगे तो भगवान हो जाएंगे। इसलिए जीव विवाद में उलझा रहता है और पूरी उम्र गवा देता है। इसलिए संतों ने कहा दर्शन के नबा ओ दर्शन के नबा I'm not afraid of the dark.
बढ़ती रही भगवान कृष्ण जन्माष्टमी की छुट्टी हो गई, विश्वकर्मा जी की
जब बड़ी बड़ी टीचर है।